हेलो। तो ये वीडियो आज विलियम शेक्सपियर पे है। ओके, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं और जो भी उन्होंने कोट दी हैं या फिर जिन भी क्रिटिक्स ने उन पे कमेंट किए हैं, वो ऑलमोस्ट चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर, सबसे पहले उनका देखेंगे। ही वॉज बैप्टाइज इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन 26 अप्रैल 1564। उनका जन्म 1564 का है और कहाँ पे है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ओके, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में उनका मतलब होली ट्रिनिटी चर्च में उनको बैप्टाइज किया गया था। उनका बर्थ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। इसको जो है उनकी डेट की उनकी डेथ की डेट भी माना जाता है। ओके, अगर हम इंग्लैंड की बात करें और उसको फॉलो करें, वहाँ का जो जूलियन कैलेंडर था तो उसके हिसाब से उनका जो बर्थडे है वो 5 मई को पड़ता है। ओके, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन सिक्स शेक्सपियर एंड मैरी आर्डर। वो एल्डेस्ट सन थे, उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी आर्डर। ओके, याद रखेंगे। 1582 में ही मैरिड एना हाथवे से उन्होंने शादी की थी। ये उनकी शॉर्ट गन वेडिंग थी, मतलब शॉर्ट गन वेडिंग वो होती है जिसमें जो एनी थी वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ओके, याद रखना है आपको, 1582 में उन्होंने शादी की थी। और जो उनकी डॉटर थी, अगर उनको उनका डेट ऑफ बर्थ याद करें तो वो था 1583 में। और उनके दो बेटे भी थे, मतलब 1582 में उनकी शादी हुई और 1583 में उनकी डॉटर हुई सुषैना। ओके, और उनके ट्विंस थे, दो फिर ट्विंस हुए 1585 में। उनका नाम था हैमनेट और जुडिथ। और जो उनके नाम थे ना, वो शेक्सपियर के जो फ्रेंड है हैमनेट, उनके फ्रेंड का नाम था शेक्सपियर के, और उनकी वाइफ का जो हैमनेट की वाइफ थी उनका नाम था जुडिथ, इनके नाम पे ही शेक्सपियर ने अपने बच्चों का नाम रखा था, याद रखेंगे। और हैमनेट जो था, अगर ये पूछा जाए कि उनके बेटे की डेथ कब हुई थी, तो 1596 में ही हो गई थी, काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। ओके, एक जोन ओबरे थे, उन्होंने लिखा है लाइफ लाइफ्स, उसमें इंक्लूड किए हैं गॉसिप, किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। और उसमें जो विलियम विस्टन थे, उन्होंने वो डिस्क्राइब करते हैं कि शेक्सपियर क्या थे, एक हैंडसम और एक वेल शेप्ड मैन थे, और उनकी वेरी गुड कंपनी और एक वेरी रेडी और प्लीजेंट स्मूथ फिट, मतलब बुद्धिमत्ता से भरे हुए व्यक्ति थे। ओके, और अच्छा, अगर आप देखो तो जॉन ओबरे ने एक स्टेटमेंट बोल दिया उनके बारे में। शेक्सपियर जो है अपने यंगर ईयर्स में एक स्कूल मास्टर रहे हैं अपने ही उसमें, मतलब अपने ही उसमें अपनी एरिया में, और उन्होंने सजेस्ट किया है, मतलब उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो एक विलियम डे एबनेंट हैं वो शेक्सपियर के नेचुरल सन थे। मतलब ऐसा कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि उनका एक बेटा और था, मतलब कहीं और से, विलियम डी एबनेंट, क्योंकि विलियम डी एबनेंट ने भी काफ़ी कुछ शेक्सपियर के बारे में लिखा है, मतलब डेडिकेट करते हुए अपने फादर को, ऐसा माना जाता है। ओके, 1618 में एट द एज ऑफ 12 की एज में जो डी एबनेंट थे उन्होंने एक कोड लिखा, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मास्टर शेक्सपियर, मतलब अपने मास्टर शेक्सपियर की याद में ये लिखा था डी एबनेंट ने, उन्हीं ने जिनको इनका बेटा माना जाता है। ओके, और शेक्सपियर इंस्टीट्यूट वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा? एलर्डेस निकोल के द्वारा इन 1951 में। ओके, और उनकी डेथ कब हो गई थी? 23 अप्रैल 1616, मतलब 1616 में उनकी डेथ हो गई थी, और उनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी स्ट्रेटफोर्ड में। ओके, शेक्सपियर को सपोज किया गया, मतलब माना गया है कि उनको उन्हें जो है टू हैव प्लांटेड ए मलबरी टी, एक चाय का मतलब पेड़ लगाया था इन द गार्डन ऑफ न्यू प्लेस, न्यू प्लेस के गार्डन में, फिर उसको कट करवा दिया गया था किसके द्वारा? फ्रांसिस गेस्टल के द्वारा। मतलब अगर बहुत कोई छोटा पॉइंट इनके बारे में है
तो ये भी आ सकता है कि जो उन्होंने पेड़ लगाया था वो किसने कट करवाया था, तो फ्रांसिस गेस्टन ने। ओके, स्ट्रैटफोर्ड एक गांव था, कहाँ पे? वारविक शायर में। अच्छा, अगर यह है कि स्ट्रैटफोर्ड कहाँ पे था, गांव कहाँ पे है मतलब, तो वारविक शायर में है। और जो वो एवन है ना, वो एक नदी का नाम है, नियर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगलों के पास में ही। और इट इज़ सैड, ये कहा जाता है कि 1587 में उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी और बर्वेज की जो कंपनी थी लंदन में उसको ज्वाइन कर लिया था। ओके, और 1585 से लेके 1592 तक ये उनका लॉस्ट ईयर माना जाता है। लॉस्ट ईयर मतलब ऐसे साल जब पता नहीं चलता कि शेक्सपियर कहाँ पे थे, मतलब उन्होंने, क्योंकि उस समय 1585 से लेके 1592 तक उनका कोई पॉपुलर वर्क भी नहीं आया, तो उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो इसलिए उनको लॉस्ट ईयर बोला गया। ओके, एडवर्ड आउडन एक प्रोफेसर थे इंग्लिश के, उन्होंने क्या लिखा, शेक्सपियर एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। ओके, अगर इस तरह से आए क्वेश्चन कि शेक्सपियर एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, 1875 किसने लिखा है, तो एडवर्ड आउडन ने लिखा है। अच्छा, इन्होंने एक और लिखा है, एक वर्क शेक्सपियर प्रीमियर, वो आया है 1877 में। और शेक्सपियर मतलब सॉरी शेक्सपियर प्रीमियर में डाउटन ने शेक्सपियर के करियर को चार पीरियड में डिवाइड किया है, इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ और ऑन द हाइट। ओके, 1587 से लेके 1611 तक ये उनका ग्रेट लिटरेरी एक्टिविटी का वर्क जो है समझा गया है, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्ले हैं, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि उनका कौन सा प्ले कौन से ईयर में आया है। ओके, जो फर्स्ट प्रिंटेड एलुजन था उनका, वो क्या था, ग्रीन्स पैम्पलेट से था, उसमें ये लिखा था, जो उनके लिए था फर्स्ट प्रिंटेड एलुजन, ग्रीन की पैम्पलेट में उन्होंने लिखा था, ग्रोट मतलब उनको क्रिटिसाइज किया था, ग्रीन ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, ग्रोट्स बर्थ ऑफ बिट, ये बोल के, मतलब पैम्पलेट आया था उनका 1592 में, उसमें क्या बोला था उन्होंने, मेंशन किया उसमें कि वो क्या थे, अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर, मतलब क्या कर रहे हैं वो, हमारे पंखों से क्या हो रहे हैं, ब्यूटिफाइड हो रहे हैं, जैसे रॉबर्ट ग्रीन थे, मतलब ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे और शेक्सपियर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे, तो उनको ऐसा लगता था ग्रीन को, जब शेक्सपियर काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे तो उनको, उन्होंने इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया कि क्या कर रहे हैं ये, हमारे ही वर्क को, मतलब उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, प्लेजरिज्म का, साहित्यिक चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि हमारे ही वर्क को क्या कर रहे हैं, इधर उधर से कॉपी करके और उसमें चेंजेस करके और मतलब पॉपुलर हो रहा है, तो मतलब उससे उनकी पॉपुलरिटी से उनको जलस हो रही थी, तो इस तरह से उन्होंने बोला उनको, अप स्टार्ट करो, मतलब उनको लगता था वो जानता वानता है नहीं, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड, मतलब ऐसे ही छुपा हुआ है, इज एन एक्विजिशन उन पर लगाया था प्लेजरिज्म का आरोप, मैंने आपको बताया ना अभी, प्लेजरिज्म मतलब वही साहित्यिक चोरी का आरोप, और ग्रीन ने उनको बोला था शेक्सपियर को, जोनास फैक्टोटम, इनसे सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं एक एक पॉइंट से, कि ग्रीन ने क्या बोला था शेक्सपियर को, जोनास फैक्टोटम और सेक्सीन, मतलब बोला था ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड गुड फॉर नथिंग, मतलब हर काम में थोड़ा थोड़ा कर रहा है और किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से बोला था उनको। रॉबर्ट ग्रीन ने यूज्ड की थी फ्रेज उनके लिए, अभी आ गई है आपको, एब्सोल्यूट जोनास फैक्टोटम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए बोला था। फिर और आया एक आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर 1898 किसने लिखी है, तो सर सिडनी ली ने लिखी है। शेक्सपियर अपने वर्क से तो पॉपुलर है ही, लेकिन शेक्सपियर पे लिख लिख के और लोग भी काफ़ी और पॉपुलर हो गए। शेक्सपियर आइडेंटिफाइड 1920 ये बुक आया जाए, ये किसने लिखी है, जे थॉमस लूनी ने लिखी है। ओके, निकोलस रो ने पब्लिश की है द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709 में। थॉमस आर्टी ने एक पोएम लिखी है टू शेक्सपियर, वो आई थी 1916 में। अर्नोल्ड ने भी लिखा है शेक्सपियर पे एक सोनेट शेक्सपियर, बस
उसका नाम इतना ही था, शेक्सपियर। वो आया था 1844 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिल्टन ने क्या लिखा था, ऑन शेक्सपियर, जो आया है 1630 में। ओके, जो लास्ट वाला टीजीटी हुआ था उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था कि ऑन शेक्सपियर किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1630 में। हमें तीनों राइटर का याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉमस हार्डी ने क्या लिखा, टू शेक्सपियर 1916 में। अर्नोल्ड ने क्या लिखा, शेक्सपियर 1844 में। और मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर 1630 में। ओके, जो रेप्ड जेम्स बिलमोर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि शेक्सपियर डिड नॉट राइट द प्ले एट्रीब्यूटेड टू हिम। उन्होंने जो है उनको उन्होंने यही बोला कि शेक्सपियर ने प्ले लिखे ही नहीं है। उन्होंने ये मतलब ये सुझाव दिया कि ये फ्रांसिस बेकन ने लिखे हैं, उनका मानना ऐसा था। ऐसे भी एक पॉइंट चला था ना, आपने सुना होगा कि ये सारा वर्क फ्रांसिस बेकन का है और ये शेक्सपियर ने मतलब ऐसा कोई लिखा ही नहीं था। एक न्यूयॉर्क लॉयर थे कॉलोनल जोसेफ एच हार्ट, उन्होंने भी यही व्यू दिया है कि शेक्सपियर ने क्या किया है, परचेस किया है, खरीदा है इस वर्क को, मतलब जो था ऑप्टेन किया है, प्राप्त किया है सरप्टिशियसली, मतलब चुपचाप हिडन तरीके से दूसरे मैन के प्ले को। फिर उसने क्या किया, उसमें स्पाइस डाला कुछ, मतलब मसाला ऑब्सिनिटी का, ओके, और ब्लैक गार्डिज्म का, अब्यूजिव लैंग्वेज का उसमें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया, इम्प्योरिटीज का, मतलब ऑप्सिन डाले इस तरह के, और क्या कर दिया, अपना बना लिया उनको इस तरह का प्ले में, चुरा के मतलब उनको परचेस किया, खरीद लिया, और क्या किया उसमें अपना कुछ मसाला डाला और पब्लिश करवा दी। ओके, डेलिलिया बेकन याद रखना है आपको, एक अमेरिकन राइटर थी, उन्होंने कोशिश की प्रूव करने की कि फ्रांसिस बेकन क्या थे, वो शेक्सपियर के प्ले के ऑथर है अपनी बुक में। उनकी बुक का नाम था डेलिलिया की द फिलोसफी ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर अनफोल्डेड, आई थी वो 1857 में। ओके, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट चलते हैं, द एंटी स्ट्रेट फोर्डियन मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट था जिसने डिनाई किया शेक्सपियर की ऑथरशिप को फॉर द प्ले पे। और इस मूवमेंट ने क्या किया, इंक्लूड किया डिस्टिंग, इस मूवमेंट में इंक्लूड हुए बहुत ही मतलब इमिनेंट राइटर, बहुत ही पॉपुलर लेखक, जैसे कि मार्क ट्वेन, सिगमंड फ्राइड, ये इन लोगों ने भी शेक्सपियर को अच्छे से क्रिटिसाइज किया है, मतलब नेगेटिव वे में। और शेक्सपियर का जो यंगर ब्रदर था उनका नाम था गिल्बर्ट शेक्सपियर, रिचार्ड शेक्सपियर और एडमंड शेक्सपियर, याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है शेक्सपियर के भाइयों के नाम का, तो याद रखना है आपको। ओके, एक और उनकी सिस्टर थी एनी, शेक्सपियर की सिस्टर थी, वो मर गई थी जब वो कितने साल की थी, केवल 7 साल की थी। और जो उनकी दूसरी सिस्टर थी उनका नाम था जॉन शेक्सपियर, वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जी, लिव्ड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। उन्होंने मैरिड शादी की विलियम हॉट से और उनके 4 चिल्ड्रन थे। ओके, पैराडिस टैमिया, एक बिट्स ट्रेजरी 1598 में आई थी बाई फ्रांसिस मेयर, किसने लिखी थी इसको, फ्रांसिस मेयर ने लिखा था। उन्होंने फर्स्ट क्रिटिकल अकाउंट दिया ऑफ द पोएम्स एंड अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर का। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऑलरेडी बना हुआ है, पैराडिस टैमिया, किसके द्वारा लिखा गया है, ये फ्रांसिस मियर्स के द्वारा। ओके, जो फर्स्ट परमानेंट थिएटर है ना, वो था जेम्स बर्गेस का द थिएटर, और इट वॉज बिल्ट इन 1576 में बना था ये, और इसको क्या कहा, थिएटर इन शोरडिच लंदन में। ओके, पहला परमानेंट थिएटर था ये, जेम्स बर्गेस थिएटर 1576 में बनाया। ओके, अगर ये पूछा जाए कि पहला परमानेंट थिएटर का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उसका नाम द थिएटर ही है। ओके, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने प्ले मतलब प्ले किया था इन बर्वेज द थिएटर में फ्रॉम 1594 से लेके 1596 तक। इनफैक्ट जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था वो उनको ही जाने जाने लगा था, उनको जाना जाता था लॉर्ड स्ट्रेंज मैन, फिर इसको भी फॉर्म किया गया मतलब 1594 में। और शेक्सपियर के टाइम पे और कौन कौन से थिएटर्स थे याद रखना है आपको, द कर्टेन,
आया था 1577। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है कि चार थिएटर के नाम दिए और पूछा कि शेक्सपियर किस में, मतलब किससे, इनमें से कौन सा थिएटर ऐसा है जिससे शेक्सपियर रिलेट नहीं करते। तो हम सारे थिएटर के नाम याद कर लेंगे जो उनसे कनेक्टेड थे, द कर्टेन, द रोज, ओके। और व्यूबेनिक प्लेग आया था, ब्लैक डेथ हुई थी थिएटर में, तो वो क्लोज हो गए थे 1593 में। ये जो प्लेग है ये दो तीन बार आया है, तो सबसे पहले 1593 में ही आया था, ओके। शेक्सपियर के थिएटर में कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्टेन है, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन है, इसका भी नाम आपने सुना होगा, एक और आपने नाम सुना होगा बहुत पॉपुलर, ग्लोब थिएटर, वो ओपन हुआ था 1599 में। अगर ये क्वेश्चन आता है कब ओपन हुआ था, 1599 में, अच्छे से याद रखना है इसके बारे में था आपको। और इट वाज इरेक्टेड, निर्माण हुआ था मैं आपको बता चुकी हूँ 1599 में, थेम्स नदी के किनारे पे, ओके। और फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया था आग से, जब हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस चल रही थी ना शेक्सपियर की, तब इसमें आग लग गई थी, इसलिए जो हेनरी एट्थ था वो शेक्सपियर का एक इनकम्प्लीट प्ले है, और इसकी परफॉर्मेंस के समय आग लग गई थी, फिर इसको रीबिल्ट किया गया। अच्छा, आग कब लगी थी, 1613 में, फिर इसको फिर से थोड़ा ठीक किया गया, बनाया गया 1614 में, ओके। फिर 1603 में फिर से व्यूबेनिक प्लेग आ गया, ओके, उसने रैबिज कर दिया, मतलब तबाह कर दिया, फिर से सारे थिएटर्स क्लोज हो गए, बंद हो गए। फिर ब्लैक फ्रायर थिएटर्स, वो बनवाया गया था किसके द्वारा, रिचर्ड बर्बेज के द्वारा, उस पर थीम्स के किनारे 1596 में, एज ए प्राइवेट थिएटर, फिर प्राइवेट थिएटर बना एक। और जो कंपनी होती है एक्टर्स की, उसका नेम क्या रखा, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1594 में हुआ था, ओके। और आफ्टर किंग्स जेम्स फर्स्ट एक्सेशन, द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन वाज रीनेम्ड, फिर उसका फिर से नाम कर दिया गया, मतलब फिर से उसका नाम द्वारा रख दिया गया, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का ही क्या नाम रखा, किंग्स मैन, ओके। अगर अब आपका थिएटर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होगा। द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड एट द ग्लोब, जो पहला प्ले परफॉर्म हुआ था ग्लोब थिएटर में, वो था जूलियस सीजर, कब हुआ था, 1599 में, ओके। अब कोट्स पढ़ेंगे शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में क्या क्या कोट दिए किसने, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइन, शेक्सपियर के प्ले में हीरो नहीं है, वो उनके में क्या है, हीरोइंस है। ये बात जॉन रस्किन ने बोली थी अपने वर्क, आपको ये और याद रखना है कि किसने जो लाइन बोली है वो कहाँ पे बोली है, तो जो उनका वर्क था शीशेम एंड लिलीज, उसमें बोला था, क्योंकि आपने देखा होगा ना शेक्सपियर ने हीरोइंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है शेक्सपियर ने, वो मतलब हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज़ में क्या करता है, हीरो बचाता है हीरोइन को, लेकिन शेक्सपियर में आपने देखा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस ले लो उनका, तो पोर्सिया जाती है, क्या करती है वो, खुद वकील बन के जाती है और सब ठीक कर देती है। तो इस तरह की चीज़ें शेक्सपियर ने दिखाई है, इसलिए बोला है कि शेक्सपियर के प्ले में हीरो नहीं है, केवल क्या है, हीरोइन है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, शेक्सपियर वन गेट्स एक्वेंटेड विद और विदाउट नोइंग हाउ, शेक्सपियर से कोई अगर मतलब परिचित होता है विद और विदाउट नोइंग हाउ, मतलब उसके साथ या उसके बिना जाने कैसे, तो इट्स ए पार्ट ऑफ एन इंग्लिश मैन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, मतलब अगर शेक्सपियर से कोई परिचित होता है ना, चाहे उसे पता हो या उसे ना पता हो, मतलब वो इस बात को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो पार्ट है किसका, इंग्लिश मैन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंग्लिश मैन के मतलब अंग्रेजों के कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके विचार और ब्यूटीज़ इतने स्प्रेड हो चुके हैं अब रोड में किसके, शेक्सपियर के, कि पन टच देम एवरीवेयर, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं से वो चीज़ मतलब उनसे कनेक्ट हो ही जाएगा, वन इज इंटीमेट विद हिम बाय इंस्टिंक्ट, ये बात जेन ऑस्टन ने बोली थी मैंसफील्ड पार्क में 1814 में, ओके। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप कोई आपको पता भी नहीं होगा, आपने बहुत पहले जब आप अपने अकेडमीज में पढ़ रहे होंगे अकेडमी में, तो आपने आपको पता भी नहीं चला होगा आपने कब कोई कोट बोल दी, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये किसकी थी, शेक्सपियर की थी। तो मतलब कहीं ना कहीं हम सब उनसे प्रभावित रहे हैं अगर हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, ओके।
ही इज ऑफ नो एज नोर आई मे ऐड, ना तो वो किसी युग के हैं, ना ही मैं मतलब ऐड कर सकता हूँ कि वो किसी धर्म के हैं, ना ही वो किसी पार्टी से हैं, ना ही क्या है किसी मतलब उनका कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन है। द बॉडी एंड सब्सटेंस ऑफ हिज वर्क, उनके काम का जो उन्होंने वर्क लिखा है, केम आउट ऑफ द अनफैदमेबल डेप्थ ऑफ हिज ओन ओशियन ओशनिक माइंड। ओके, मतलब जो उनका काम है ना, अगर आप उनका देखें ना, तो वो क्या है, अपरिमेय गहराई से, इतनी गहराई जैसे होती है ना समुद्र की, ओशन की, इस तरह से है, इस तरह से बाहर निकल के आई है। ओके, उनके काम का सब्सटेंस किसने बोला है, एस्ट्रोकोलॉजिस्ट ने बोला है। ओके, किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड ना, शेक्सपियर का जादू कॉपी नहीं किया सकता। विद इन दैट सर्कल मोर डस्ट वॉक व्हाट ही, ये बोला है जॉन ड्राइडन ने, शेक्सपियर का मैजिक को कॉपी कर ही नहीं सकते, ठीक है, उनके जादू को। ओके, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, मतलब टी के सिलियट ने बोला है कि दांते और शेक्सपियर ने ही मॉडर्न वर्ल्ड को अपने आपस में मतलब डिवाइड कर लिया, बांट उसको अपने बीच में ही बांट लिया, अब किसी कोई थर्ड के लिए जगह ही नहीं है, टी के सिलियट ने बोला है। सोल ऑफ द एज, अलग से अगर आता है, बेन जॉनसन ने उन्होंने विलियम शेक्सपियर की काफ़ी प्रशंसा की है, और किस अपने किस वर्क में की है, टू द मेमोरी ऑफ माई ब्लॉट द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, 1623 में आया था, तो उन्होंने उसमें उनको क्या क्या बोला है, एक तो बोला है सोल ऑफ द एज, द अपलोज डिलाइट मतलब एक आनंद, द वंडर ऑफ आर स्टेज मतलब हमारे स्टेज का एक आश्चर्यजनक वंडर, माई शेक्सपियर, उन्होंने अगर ये पूछा जाए कि माई शेक्सपियर करके किसने संबोधित किया है शेक्सपियर को, तो विन जॉनसन ने किया है। तो आर्ट ए मोन्यूमेंट विदाउट ए टूम एंड आर्ट अलाइव, मतलब इस तरह से जो इतना उनकी बुद्धिमत्ता को प्रेज किया है, सोल ऑफ द एज बोला है विन जॉनसन ने बोला है, वो उनके बहुत एडमायरर थे, काफ़ी प्रशंसा की है, पढ़ लेना आप। ओके, एंड सो स्पल्ज्ड इन सच पॉम्प डस्ट लाय दैट किंग्स फॉर सच ए टूम पुट विश टू डाई, मिल्टन ने बोला है ऑन शेक्सपियर में 1630 में जो आया था उनका, मिल्टन यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इवन किंग, अगर राजा की बात करें ना, तो वे भी क्या करेंगे, इवन किंग वुड विश फॉर सच ए मोन्यूमेंट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, मतलब वो भी इच्छा करेंगे एक ऐसे स्मारक की, मतलब लोग उन्हें याद करें, उनकी जो प्रजा है, उनके जो सब्जेक्ट है, वो उनको याद करे, एंड वो क्या करे, वो उनके हार्ट में रहे, उनके दिलों में रहे, देन बी फॉरगॉटन, मरे जाने से अच्छा वो क्या करे, सॉरी फॉरगॉटन मतलब भूले जाने से अच्छा वो क्या करे, उनके दिलों में रहे, जैसे शेक्सपियर अब हर व्यक्ति के दिल में है ना, जो भी लिटरेचर पढ़ रहा है उसको पढ़ना ही पड़ रहा है शेक्सपियर को, इस तरह से ही हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग और एनीथिंग, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि हम कुछ लिख सके, कुछ कह सके किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब सब कह दिया उन्होंने, सब लिख दिया। जॉन कीट्स ने बोला है एक लेटर में टू जे एच रेनोल्ड को, लिखा था अपने ब्रदर को 1817 में, उसमें बोला था आर मेरिट माइंडेड शेक्सपियर, मतलब हमारा जो एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ना, एक मतलब ऐसा एक हैविंग जो जिसके पास एक्सट्रीम पावर हो, वर्सेटिलिटी हो, एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी माइंड वाला शेक्सपियर, एस्ट्री कॉलेज ने बोला था बायोग्राफिया लिटरेरिया में, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये तो आपने सबने सुन रखी होगी लाइन, मिल्टन ने बोली है इन एल एलिग्रो में। ओके, आई एडमायर वेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, मैं वेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूँ लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ, ड्राइडन ने बोला है। ही वॉज द मैन, वो एक ऐसा व्यक्ति था, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंसेंट पोएट, उसने सारे आधुनिक और शायद सारे जितने भी मतलब प्राचीन कवि हैं, हैड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव साउंड, एक मतलब सबसे ज़्यादा आपको पता ही है शेक्सपियर जितने भी पुराने हैं, मतलब इतना कुछ वर्क शेक्सपियर ने लिखा है और इतना उन्होंने उन लोगों ने इतना उन पर रिमार्क दिए हैं कि वो मोस्ट कम्प्रिहेंसिव साउल है, मतलब सोल है, ड्राइडन ने बोला था अपना इन एसे ऑफ ड्रामेटिक
कौन सी में? ओके, आई हैव ट्राइड लेटरली टू रीड शेक्सपियर, मैंने बहुत बाद में शुरू किया शेक्सपियर को पढ़ना, मतलब उसमें पढ़ने की कोशिश की, एंड फाउंड इट, और पाया सो इनटॉलरेबली डल, मतलब एकदम उन्हें नीरस लगा कि वो टॉयलेट भी नहीं कर पा रहे, तो उसने मुझे क्या किया, इट नोस्टेड मी, मतलब जैसे होता है ना जब वॉमिटिंग की फीलिंग आती है इस तरह से उनको आ रही है, चार्ल्स डिक डार्विन ने बोला, ओके, जब उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा, ओके, उनकी जो टूम थी ना शेक्सपियर की, उस पर लिखा हुआ था, उस पर उनकी टूम पे कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिक द डस्ट इन क्लोज्ड हेयर ब्लीज सी द मैन, ओके, मतलब जो भी कोई मेरी कब्र को खोदने की कोशिश करता है ना भगवान के लिए, मतलब जीसस से बोल रहे हो, गुड फ्रेंड ब्लीस वी द मैन, उस व्यक्ति को क्या करो, ब्लेस करो, आशीर्वाद दो, मतलब आशीर्वाद दे दैट स्पेयर दीज स्टोन, जो इन स्टोन के साथ कुछ भी मतलब स्पेयर ना करे, कुछ छेड़छाड़ ना करे, एंड कर्ज वी ही दैट मूव्स माई बोन, और उसे क्या करना, कर्ज देना, अभिशाप देना जो क्या करे मेरी बोन्स को मूव, मतलब हिलाए डुलाए, उसके साथ कुछ छेड़खानी करे, किसके साथ, मेरी कब्र के साथ, ये शेक्सपियर की कब्र पे लिखा हुआ था चार्ल्स लैम ने, वे क्या एलिगेशन लगे थे, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे टू हैव डिस्क्राइब थॉमस हेवुड को, क्या बोला था, ए शॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, अगर ये क्वेश्चन आता है कि थॉमस हेवुड को प्रोज शेक्सपियर किसने डिस्क्राइब किया है, तो चार्ल्स लैम ने, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, और थॉमस बाउल्डर ने पब्लिश किया था शेक्सपियर के प्ले का एडिशन इन द फैमिली शेक्सपियर, मतलब उन्होंने एक्सपर्गेट कर दिया था, एक्सपर्गेट किसे बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को सेंसर करना है ना, जैसे आज भी मूवीज में सेंसर करके उसको कुछ अगर पार्ट उन्हें सही नहीं लगता मूवी का तो उसको सेंसर कर देते हैं, मतलब वहाँ से वो सीन को डिलीट कर देते हैं, ऐसे उन्होंने किया था 1807 में आया था, इसी ब्रैडली ने लिखा है, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा है 1904 में आई थी, और ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री लिखे हैं 1909 में आया था, दोनों पर क्या रखना है, ओके, एसी ब्रैडली के जो ऐसे हैं वो किस किस पे हैं, एक तो एंटोनियो क्लियोपेट्रा पे है, और द रिजेक्शन ऑफ फॉलस्टॉक पब्लिश हुए थे इन ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री, जो लिखा था ना उन्होंने अभी ऊपर आया था ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री, इसमें इन दोनों पे ऐसे लिखा था उन्होंने एंटोनियो क्लियोपेट्रा पे और रिजेक्शन ऑफ फॉलस्टॉक पे, अच्छा एसटी कॉलेज ने क्या दिया है, क्रिटिकल एनालिसिस दिया है शेक्सपियर के फिनेस एंड एडोनिज का एंड द रेप ऑफ लुक्रीज का इन चैप्टर 15 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 15 में उन्होंने क्या किया है, एनालिसिस दिया है उनका, ओके, फिनेस एंड एडोनिज किसका एग्जाम्पल है, एक एपिलियन का, एपिलियन किसको बोलते हैं, लिटिल एपिक, विलियम वेस जो ऑथर थे मैन्यूस्क्रिप्ट सोनेट के, उन्होंने एपिटैप लिखा है शेक्सपियर पर, एक एलेजी रिटन बिफोर 1623 शुरू होती है, उसमें लिखा है ये रेनोल्ड्स स्पेंसर लाई ए थॉट मोर नाय टू लर्न चौसर एंड रे, और इसको पढ़ लेना आप, ओके, उन्होंने लिखा है विलियम वेस ने लिखा है, ओके, नेक्स्ट चलेंगे, एक क्रेप ट्री अंडर विच शेक्सपियर स्लैप्ड वन नाइट, एक क्रेप ट्री था जिसके नीचे शेक्सपियर एक रात सोए थे, तो उसको रेफर किया गया किस नाम से, शेक्सपियर कैनोपी, शेक्सपियर कैनोपी नाम से इसको, मतलब उसको नाम दे दिया गया, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, अच्छे से बताया सबको, पब्लिश किए गए थे थॉमस थोर्प के द्वारा 1609 में, ओके, और डेडिकेट आपको पता ही है, इनमें से आउट ऑफ 154 सोनेट 126 डेडिकेट किए थे किसको, हैंडसम यंग मैन को, जिसका नाम हेनरी रोथ्सली बोल लो या अर्ल ऑफ साउथैम्पटन या फिर मतलब WH विलियम हर्बर्ट करके भी बोला था ना, ओके, और 26 डेडिकेट किए थे डार्क लेडी को, जिसको आइडेंटिफाई किया था एज ए मैरी फिटन बाद में नाम हुआ था वो, ओके, और सोनेट नंबर 138 और 144 उनको ऑलरेडी प्रिंट कर दिया गया था 1599 में एक द पैसनेट पिलग्रिम में, ओके, सोनेट नंबर 153 और 154 वो किसको डेडिकेटेड है, लव गॉड क्यूपिड को, सोनेट नंबर 50 और 51 वो उनको किस पे माना गया है, कि उनको माना गया है कि उन्होंने घोड़े की पीठ पे लिखे थे, और द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH 1889
एक शॉर्ट स्टोरी आई थी ओस्कर वाइल्ड के द्वारा। ओके, सोनेट नंबर 19 में कितनी लाइनें हैं? 15 लाइन। मतलब शेक्सपियर के कुछ सोनेट ऐसे थे, कुछ नहीं एक दो थे, मैं बता दूंगी उनको, जिन्होंने जो पैटर्न है ना, सोनेट का पैटर्न क्या है कि 40 लाइन होती है, लेकिन एक दो सोनेट ऐसे थे जिन्होंने पैटर्न को फॉलो नहीं किया था। तो एक तो सोनेट नंबर 19 था, याद रखना है आपको, आ सकता है, इसमें 15 लाइन्स थी। ओके, सोनेट नंबर 29 में क्या थी? इसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी अलग थी बाकी सोनेट से, ए पी ए पी, सी टी सी टी, ई बी ई बी, एफ एफ। ओके, अच्छा एक सोनेट और है 126, इसमें केवल 12 लाइन थी, ये भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता था। ओके, 145 सोनेट नंबर जो था वो क्या था? एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ था, केवल ऐसा सोनेट जो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ था वो सोनेट नंबर 145 था। और इसकी फर्स्ट लाइन, आपको कुछ सोनेट की फर्स्ट लाइन याद करनी पड़ेगी, इसकी याद कर लेना, दोज लिप्स दैट लव्स ओन हैंड डिड मेक। ओके, इंग्लिश सोनेट जिनका नाम शेक्सपियरियन सोनेट था, उनकी राइमिंग स्कीम जनरली क्या थी? ए बी ए बी, सी टी सी टी, ई एफ ई एफ, जी जी, यही थी ना शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम, इसको याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द सोनेट हैं उनके, वो 1640 में रिप्रिंट हुए बाय जॉन बेंसन के द्वारा, एक लंदन का पब्लिशर था, फिर से रिप्रिंट हुए थे, फ्रांसिस मेयर ने रेफर किया था उनको 1598 में, शेक्सपियर सुगार्ड सोनेट्स उनके प्राइवेट फ्रेंड्स के बीच में। मतलब याद, ये पॉइंट वापस आप एक बार पढ़ लो सो दैट माइंड में रहेगा, अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर लो। सोनेट नंबर 107 जो है उसको जाना जाता है द डेटिंग सोनेट के नाम से। ओके, 127 से लेके 125 किसको एड्रेस किए गए हैं? मैंने बताया आपको अभी, डार्क लेडी मैरी फिटन के नाम से जो आइडेंटिफाई की गई थी। ओके, और शेक्सपियर ने लिखा था एक सोनेट, मतलब शेक्सपियर ने एक लाइन लिखी थी उनके लिए, विद दिस की, सोनेट ने लिखा था, ये लाइन लिखी थी, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। मतलब शेक्सपियर ने अपने एक वर्क में लिखा था कि अपनी, उससे शेक्सपियर ने क्या कर दिया, हमारे सबके हृदय को अनलॉक कर दिया, किससे, कि यहाँ किसको बोला है, सोनेट को बोला है, वर्ड्सवर्थ, जब सोनेट सोनेट को क्रिटिसाइज किया जाता था ना, तो वर्ड्सवर्थ ने स्टैंड लिया और उन्होंने बोला कि शेक्सपियर ने क्या कर दिया, अपने सोनेट से हमारा हार्ट को क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। फिर ब्राउनिंग ने इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बोला, रिटोर्टेड किया और कहा द लेस शेक्सपियर ही, मतलब इस तरह से बोला। ई एम डब्ल्यू टिलियर्ट ने क्या लिखा कि शेक्सपियर के जो लॉस्ट प्ले हैं, ये वर्क लिखा, अगर ये आता है ना, मतलब शेक्सपियर्स लॉस्ट प्ले 1938 किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा ई एम डब्ल्यू टिलियर्ट। ओके, अगर ये आता है क्वेश्चन द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर 1943 किसने लिखा, ई एम डब्ल्यू टिलियर्ट। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले 1944 किसने लिखा, ई एम डब्ल्यू टिलियर्ट। याद रखेंगे तीनों वर्क ई एम डब्ल्यू टिलियर्ट के हैं। ओके, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट 1910 में आया था, ये किसने लिखा है, जी वी शाह ने। ये कौन सी डार्क लेडी की बात हो रही है, जिसको शेक्सपियर ने क्या किए हैं, अपने सोनेट डेडिकेट किए हैं। ओके, शेक्सपियर ने दो एपिक पोएम लिखी थी, विनस एंड एडोनिस, सस्टारिमा में आई थी 1593 में, और लिखा है द रेप ऑफ लुक्रेज, राइम रोड में आई थी 1594 में। इन इस चार लाइन में से कोई सा को, किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से याद करना है कि विनस एंड एडोनिस सस्टारिमा में लिखा है और 1593 में आया था, रेप ऑफ लुक्रेज राइम रोड में लिखा है 1594 में आया था। ओके ओके, विनस एंड एडोनिस क्या हुआ, उसको बोला गया है द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, शेक्सपियर के द्वारा। ओके, और इन सब वर्क, मतलब अदर पोएम्स के अतिरिक्त फोनिक्स एंड टर्टल 1601 में आया था, 1667 लाइन की लेजी थी। ओके, पैसनेट पिलग्रिम 1599 में आया था, एक एंथोलॉजी थी 20 पोएम्स की, जो पब्लिश की गई थी विलियम जेगार्ड के द्वारा, इसमें सोनेट नंबर 138 और 144 इंक्लूड था। ओके, और लव स्लेवर लॉस्ट का एक 3 एक्सट्रैक्ट भी इसमें ही इंक्लूड थे, द पैसनेट
पिलग्रिम में। ओके, ए लवर्स कंप्लेंट 1609, एक पोएम पब्लिश हुई थी इन फर्स्ट एडिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट। लव्स लेवर बोन को लिस्ट किया गया था फ्रांसिस मियर्स के द्वारा कि ये जो है शेक्सपियर का क्या है, एक लॉस्ट प्ले है। मतलब इसका लव्स लेवर बोन को माना गया कि शेक्सपियर ने ही लिखा था, ठीक है, लेकिन चूंकि ये मतलब सही से कंफर्म नहीं हो पाया था तो इसको लॉस्ट प्ले की कैटेगरी में रखा। सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, शेक्सपियर के वर्क क्या बोला, ए मैप ऑफ लाइफ, के ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में कि ए मैप ऑफ लाइफ, शेक्सपियर के वर्क को किसने रेफर किया है, मतलब किसने व्यक्त किया है, किसने बोला है, तो सैमुअल जॉनसन ने बोला है। ओके, जी वी शाह ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, एक्सेसिव एडमायरेशन विलियम शेक्सपियर की, तो उनके लिए एक नया टर्म उन्होंने कॉइन कर दिया, बार्डोलेट्री। ओके, बार्डोलेट्री, उसमें क्या किया, बार्डोलेट्री में उन्होंने शेक्सपियर का मतलब वो थे ना वो बार्ड ऑफ एवन, तो उसी से बनाया, क्या बनाया, मतलब उसी से बनाया शब्द, नया शब्द बार्डोलेट्री। वो क्या किया उसमें, जो उसका जो ग्रीक वर्ड था, मतलब एक तो इस सब उनका नाम उससे बना बार्ड ऑफ एवन से, और एक ग्रीक वर्ड था लेटेरिया जिसका मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना, तो इन दोनों को मतलब पोर्टमेंटू करके क्या बना दिया, नया शब्द बार्ड ऑफ लेट्री। ओके, डेविड गैरिक ने, एक मेजर शेक्सपियरियन एक्टर थे, उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट करवाया, एक निर्माण करवाया मंदिर का शेक्सपियर का अपने घर पे हैम्पटन में, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो शेक्सपियर के काफ़ी सारे प्ले हैं ना उन्होंने वहाँ से अडेप्ट कर लिए। जैसे कि डेविड गैरिक ने एक प्ले लिखा कैथरीन एंड पेट्रुचियो, वो उन्होंने वो कहाँ से अडेप्ट किया, टेमिंग ऑफ द श्रू से। ओके, वहाँ से उसकी कॉपी कर ली। और फ्लोरिजन एंड परडिटा, वो कहाँ से कॉपी किया, मतलब कहाँ से अडेप्ट किया, विंटर्स टेल से। विंटर्स टेल में करेक्टर थी ना परडिटा नाम की, तो मतलब वहीं से उन्होंने अडेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने एक डाइंग स्पीच भी लिखी, किसके लिए, मैकबेथ के लिए, मतलब मरते हुए जो स्पीच, मतलब इस तरह की स्पीच लिखी। एक फाइनल डायलॉग लिखा बिटवीन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट के बीच में। ओके, जो प्रॉब्लम प्ले टर्म है वो आपको पता है किसने कॉइन किया था, एफ एस बोस ने, कहाँ पे कॉइन किया था, शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर्स में, 1896 में आया था, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था हैमलेट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, टाइलस एंड कैसिडा एंड मीजर फॉर मेजर। ये क्या है, ये सब प्रॉब्लम प्ले हैं, इन सबको प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा एफ एस बोस ने। ओके, द गर्लहुड ऑफ शेक्सपियर हीरोइन, एक बुक थी जो लिखी है मैरी काउटन क्लार्क ने। ओके, सर हेनरी बोटन, नाम सुना होगा आपने, इन्होंने एक लेटर में डिस्क्राइब किया था किसका, मैंने आपको बताया था ग्लोब थिएटर जल गया था ना 1613 में, उसके बारे में डिस्क्राइब किया। द आर्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट 1997, ये भी एक बुक थी, किसने लिखी है, हेलन वेंडलर ने। ओके, रीडिंग शेक्सपियर सोनेट ए न्यू कमेंट्री, एक न्यू कमेंट्री थी 2010 में आई थी एक बुक, वो लिखी है डॉन पैटरसन ने। ओके, हैमिंग एंड कोंडल ने प्रिपेयर किया था फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था आपको पता है, जिसमें 36 प्ले थे, 36 प्ले थे शेक्सपियर के, और जो 37वां प्ले था पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायरे, उसको एक्सक्लूड कर दिया था, उसको निकाल दिया था, और 36 प्ले को ही मतलब वो उसमें इंक्लूड किया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि पेरिक्लीज को मतलब कौन सा प्ले है जिसको निकाल दिया था, तो वो पेरिक्लीज है। ओके, जो फर्स्ट फोलियो है 1613 में, उसमें क्या किया, इंक्लूड किया है डेडिकेट करते हुए विलियम एंड फिलिप हर्बर्ट अल्सो पेम्ब्रोक, मतलब इन सबको इंक्लूड किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने इन सब इन विच ही डिक्लेयर, वो शेक्सपियर की फेमस लाइन इस तरह से मतलब डिस्क्राइब करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ही वाज नॉट ऑफ एन एज, वो एक एज के नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम, मतलब वो एक युग के नहीं थे, उन्होंने उस युग के बारे में नहीं लिखा, बट वो फॉर ऑल द टाइम, हर समय के लिए थे। जैसे हम आज भी इतने समय के बाद शेक्सपियर के प्ले को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आज भी ऐसे ही हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा जो शेक्सपियर के प्ले में घटनाएं दिखाई गई हैं,
इंसिडेंट वो आज भी ऐसे हो रहे हैं, तो वो मतलब हमेशा के लिए उन्होंने इस तरह का लिख दिया, हम आज भी उनके प्ले से रिलेट कर पा रहे हैं। और क्या बोला, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, स्वीट स्वान ऑफ एवन। किसने बोला है सब? बेन जॉनसन ने बोला है शेक्सपियर के बारे में। ओके, और उन्होंने क्या बोला उनके बारे में, एक पॉइंट और याद रखना आपको, ये ही रिडीम्ड हिज वाइसेस विद हिज वर्च्यू। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने गुणों से मतलब अपने अवगुणों को भी कम कर दिया। देयर वॉज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेस्ड देन टू बी पार्ड, मतलब उनमें प्रशंसा करने के लिए इतना है ना कि जो उन्होंने किया है ना उसके लिए मतलब पार्डन करने के लिए भी नहीं है इतना, क्षमा करने के लिए, मतलब इतनी गलतियां नहीं की हैं जितना उन्होंने प्रशंसा करने का काम किया है, तो इसलिए उनकी गलती को तो भूले जाएंगे हम। ओके, ही वॉज नॉट एफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, एक सोनेट लिखा था ऑन शेक्सपियर करके आया था 1630 में, और उन्होंने शुरू किया था व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर इज ऑनर बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, मतलब इस उस सोनेट की पहली लाइन है ये। ओके, एक दूसरी लाइन में क्या लिखा था, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये सब बोला है मिल्टन ने अपने सोनेट ऑन शेक्सपियर में। ओके, और मिल्टन के सेकंड फोलियो में आया था, सेकंड फोलियो ऑफ प्ले शेक्सपियर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जोसेफ एडिसन अमंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज इनकम्पेरेबली एक्सेल ऑल अदर्स, मतलब शेक्सपियर ने क्या कर दिया सबको, मतलब अगर उनसे तुलना की जाए सबको, इनसे किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती, सबको एक तरफ कर दिया उन्होंने। अलेक्जेंडर पोप ने क्या लिखा था शेक्सपियर के बारे में, एक प्रीफेस लिखा था टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, उन्होंने बोला था उसमें कि हिज करेक्टर्स, ये बात अलेक्जेंडर पोप ने बोली है कि उनके करेक्टर आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम वाई सो डिस्टेंस ए नेम एज कॉपीज ऑफ हर, मतलब उनके करेक्टर खुद अपने आप में इतने प्राकृतिक हैं कि मतलब उन्हें कुछ भी कहना दूर से मतलब कॉपी करना मतलब मुश्किल ही है, इस तरह से कुछ बोला। सैमुअल जॉनसन ने क्या बोला 1765 में आया था ना, प्रीफेस ऑफ शेक्सपियर लिखा था उन्होंने, तो उसमें क्या लिखा था कि शेक्सपियर एडरेंस टू जनरल नेचर हैज एक्सपोज्ड हिम टू द सेंसर ऑफ क्रिटिक्स हु फॉर्म देयर जजमेंट अपॉन नैरोअर प्रिंसिपल, ये बोला उन्होंने, किसने, सैमुअल जॉनसन ने। और कुछ वर्क में उन्होंने लिखा, क्या लिखा, काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं इसलिए, उसी वर्क में उन्होंने क्या लिखा कि जो वर्क है ऑफ ए करेक्ट एंड रेगुलर राइटर इज ए गार्डन एक्यूरेटली फॉर्म्ड एंड डिलीजेंटली प्लांटेड वेरियड विद सीड्स, मतलब जो रेगुलर राइटर है उनका मतलब उन्होंने इस तरह का गार्डन फॉर्म किया है कि और डिलीजेंटली मतलब बहुत ही मेहनत के साथ प्लांट किया है उसमें बहुत सारे सीड्स और फूलों से क्या किया है सजाया है उसको। द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर, वो क्या है, एक तरह का जंगल है, शेक्सपियर ने इस तरह का मतलब काम किया है। जॉनसन ने उनके बारे में और क्या लिखा था कि शेक्सपियर राइट्स विदाउट मॉरल पर्पज, मतलब उनका कोई वो अपने कोई नैतिक उद्देश्य के साथ नहीं लिखते, एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट, मतलब वो खुश करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं बजाय इसके क्या इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि हम इस मूवी से ये सीखने को मिला, लेकिन शेक्सपियर ने इस तरह का नहीं किया, जॉनसन ने ये बोला कि वो बिना मॉरल पर्पज के लिखते हैं। शेक्सपियर ने क्या कर दी, एक सैमुअल जॉनसन ने ही बोला है ये भी कि एक उन्होंने माइन खोल दी, मतलब एक खदान जिसमें जो बनी है किससे, गोल्ड से, डायमंड से। ओके, मतलब इस तरह का उन्होंने सैमुअल जॉनसन ने, आप पढ़ लेना इसको, बहुत लेंथी होती जा रही है वीडियो। चार्ल्स डिकेंस ने क्या बोला अपने वर्क में ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर में, क्या लिखा कि वी टॉक ऑफ शेक्सपियर एडमायरेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, हम बात करते हैं किसकी, शेक्सपियर की प्रशंसा करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की है लाइफ पे, जब वी शुड फील दैट नॉट फ्रॉम ए पैटी
इंक्यूजिशन इन टू दो चीप एंड एवरीडे करेक्टर्स। थॉमस डे क्विंची ने क्या बोला 1623 में एक वर्क लिखा था, अगर ये क्वेश्चन आए कि ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये किसने लिखा है, तो वो लिखा है थॉमस डी क्विंची ने लिखा है, 1623 में आया था। ओके ये लिखा है उन्होंने, पढ़ लेना आप इसको। ओके विक्टर ह्यूगो ने लिखा है इट्स ए लॉन्ग साइलेंस बिफोर द सन्स आंसर, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशियन, ये उनका वर्क है विक्टर ह्यूगो का शेक्सपियर पे। ओके डी एच लॉरेंस ने क्या लिखा है 1923 में लिखा था उन्होंने कि मैंने रीड शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ ना तो आई एम स्ट्रक विथ वंडर, मैं ना आश्चर्य से भर जाता हूँ कि सच ट्रिवियल पीपल, ऐसे छोटे लोग, मतलब ऐसे ट्रिवियल लोग भी सुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, ऐसे ट्रिवियल पीपल मतलब ऐसे पैटी लोग भी इतनी लवली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला था 1930 में अपने मोसिस एंड मोनोथिस में बोला था, क्या बोला था कि आई स्टॉप टू बिलीव, मैं ना क्या करता हूँ मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि जो शेक्सपियर का जो वर्क है वाज द मैन ऑफ स्टेट फोर्स, मतलब स्टेट फोर्स के आदमी ने इस तरह का वर्क लिख दिया, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था, किसको, सिगमंड फ्राइड को विश्वास नहीं हो रहा था। ओके डब्ल्यू एच ओडन ने क्या लिखा इन हिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर में कि आई फाइंड शेक्सपियर पर्टिकुलरली अपीलिंग इन हिज एटीट्यूड, मैं क्या पाता हूँ कि शेक्सपियर पर्टिकुलरली क्या है, अपीलिंग अपने एटीट्यूड में, कैसे किसकी तरफ, उनका एटीट्यूड अपने वर्क की तरफ कैसा है, अपीलिंग है। ओके शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली, ये बात टी एस इलियट ने बोली है कि शेक्सपियर कभी खुद को सीरियस लेते ही नहीं है। ओके ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपने बीच में बांट लिया है, अब कोई तीसरा है ही नहीं। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में जब पहली बार मतलब पब्लिश हुआ था तो उसमें उन्होंने किस टी एस इलियट ने आपको बताया हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा था, उसमें उन्होंने बोला भी था हैमलेट को क्या बोला था, आर्टिस्टिक फेलियर बोला था आपको पता होगा, और आर्टिस्टिक सक्सेस उन्होंने किसको बोला है, कोरिओलिनस को बोला है। ओके 1919 में आया था ये, और टी एस इलियट ने उनके लिए बोला है कि वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच शेक्सपियर डिड नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, हमें ना शेक्सपियर को ऐसे समझना चाहिए जिसे शेक्सपियर ने भी खुद नहीं समझा, हमें उनको ऐसे समझना है। और केंथ ब्रुक ने क्या बोला है कि शेक्सपियर फाउंड मैनी इंजीनियस वे टू मेक इट सीम दैट, शेक्सपियर ने पाया है बहुत सारे इंजीनियस वे को इस तरह से हमें मतलब मेक इट सीम इस तरह से प्रतीत हुआ कि उनके जो ग्रेटेस्ट प्ले है ना अनफोल्डेड ऑफ देमसेल्फ लाइक ए डेस्टिनी रेदर देन बाई ए टेक्निकल एक्सपर्ट स्कीम, मतलब जो उनके ग्रेटेस्ट प्ले है ना वो किसमें किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, डेस्टिनी की तरफ, मतलब आपने देखा होगा शेक्सपियर के प्ले में ज़्यादातर डेस्टिनी रोल प्ले करती है, मतलब किस्मत, मतलब उसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की स्कीम नहीं लगी, उसके बजाय क्या रोल प्ले कर रहा है, डेस्टिनी रोल प्ले कर रहा है शेक्सपियर के वर्क में, ये बात मैंने भी नोटिस की है। ओके हेराल्ड ब्लूम ने क्या बोला है 1994 में फ्रॉम द वेस्टर्न कैनन एक तरह का हथियार होता है, मतलब उसने बोला है कि शेक्सपियर इज द कैनन ही सेट्स द स्टैंडर्ड, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और लिमिट किसकी लिटरेचर की, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अब कोई ऐसे कर देते हैं ना हम किसी भी बात का स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, कोई एग्जांपल सेट कर देते हैं, तो इस तरह का सेट किया है उन्होंने। और शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन 1998 ये बुक किसकी है, हेराल्ड ब्लूम की है। शेक्सपियर पे तो बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है, मतलब आप अगर पढ़ने चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस ये है कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है अच्छे से, और
बस सो दैट हम पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और अगर हम ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम डायरेक्ट भी नहीं किसी क्वेश्चन को पढ़ते, लेकिन अगर हम उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं तो पेपर में हम क्या कर सकते हैं, पेपर में हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर ये होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है सो दैट पेपर में अच्छे से कर सके। ओके, थैंक यू।